आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं बेलेनोग्लोसस आखिरकार क्या होता है, इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको थ्योरी के अंदर क्या लिखे आना है, इन सबको आज अपन इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, जो बेलेनोग्लोसस है ना, इसका दूसरा नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्रोन वर्म या टंग वर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपसे या एक्रोन वर्म के बारे में पूछ लिया जाए या टंग वर्म के बारे में पूछ लिया जाए, इसका मतलब वो आपसे किससे किस चीज के बारे में पूछ रहा है, बेलेनोग्लोसस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब अपन इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन सी क्लास के अंदर आता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये फाइलम कोर्डेटा के अंदर आता है, इसका ग्रुप आ जाता है प्रोटोकोर्डेटा और सब फाइलम हेमिकोर्डेटा का मेंबर है ये, और इसकी क्लास आ जाती है एंटेरोप्रोन्यूस्टा आ जाती है, और साथ में इसका जीनस क्या आ जाता है, बेलेनोग्लोसस, इसका क्या आ जाता है, जीनस आ जाता है। अब अपन इसके जो जनरल कैरेक्टर्स है उनकी बात करें कि इसके कैरेक्टर्स कैसे है, दिखने में कैसा होता है, उसकी अपन बात करें तो पहला पॉइंट आ जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है। याद रखना, जो बेलेनोग्लोसस होता है ये पूरे वर्ल्ड वाइड पाया जाने वाला एनिमल है, जो क्या रहता है, समुद्र के किनारे क्या रहता है, बिल बना के रहता है, क्या रहता है, बोरिंग बना के रहता है समुद्र के किनारे। साथ में बात करें इसकी कितना लंबा होता है, इसकी लंबाई की, तो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, इसकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। अब इसका जो शरीर होता है ना, ये तीन भागों के अंदर बटा रहता है, डिवाइडेड रहता है। कौन कौन सा, पहला आ जाता है प्रोबोसिस, दूसरा आ जाता है कॉलर, और तीसरा आ जाता है ट्रंक। तो तीन भागों के अंदर इसका शरीर है वो बटा हुआ रहता है। इसकी जो शेप है, बॉडी की जो शेप है, वो कैसी होती है, वॉर्म लाइक होती है। इसकी बॉडी की शेप कैसी होती है, वॉर्म के जैसी इसकी शेप होती है। साथ में इसका जो शरीर होता है ये सॉफ्ट होता है एंड बेलनाकार होता है, सिलेंडराकार इसका क्या होता है, शरीर होता है, इसका बॉडी होता है। साथ में इसमें जो फीडिंग होती है वो सीलिएटरी फीडिंग इनके अंदर देखने को मिल सकती है। ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल इनके अंदर क्या होते हैं, अलग होते हैं। साथ में इनमें फर्टिलाइजेशन पूछ लिया जाए तो इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इनमें जो लार्वा स्टेज पाई जाती है ना, इस लार्वा स्टेज को बोला जाता है टोनीरिया लार्वा बोला जाता है। तो इनकी जो लार्वा स्टेज पाई जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेलेनोग्लोसस है इसकी लार्वा स्टेज को क्या बोला जाता है, तो इसकी लार्वा स्टेज को बोला जाता है टोनीरिया लार्वा बोला जाता है। साथ में इनका जो ट्रंक होता है, जो ट्रंक वाला पार्ट था, इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, पश्चिम जो शिरा होता है, उसके अंदर जो एनल अपेचर है ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे बेलेनोग्लोसस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट, एंड साथ में इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।